us out. Shut the gates, forget us now. Tides are changing. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ गाइस। ये जो मेकअप लुक है ये मैंने मुहर्रम के पहले शूट करके रखा है। मुहर्रम के लिए मैंने कई ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है चैनल बहुत मेहनत से बनाया, अगर वीडियोस नहीं डालूंगी तो चैनल मेरा चलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने मुहर्रम से पहले कई मेकअप लुक शूट करके पहले से रख लिया, जो मैं वन बाय वन डालती रहूँगी। तो आज का जो मेकअप लुक है ये निकाह मेकअप लुक है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ट्यूलाइट की पैलेट लिया है, बहुत ही ईजी मेकअप लुक बता रही हूँ। ये डार्क जो है ब्राउन शेड लेकर इसे इनर कॉर्नर पर लगाई, इसे 3 से 4 कोट मैंने लगाया है और हल्का सा ब्लैक शेड उसके ऊपर लगा लिया था आउटर कॉर्नर पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, इस पर कई कोट लगाऊँगी उसके बाद हल्का ब्लैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का शेड आ गया था, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है लगा लिया कंसीलर और इन बीच में लगा लिया ग्रीन आई शेडो। और अब जहाँ पे ब्राउन और ग्रीन का की लाइन है वहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑरेंज कलर का शेड, और अब इन दोनों को बहुत ही अच्छे से जो है ब्लेंड कर देंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद गाइस ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हार्श लाइन ना दिखे, ठीक है। तो अभी इसमें से गोल्डन कलर लेंगे, ये ट्यूलाइट की पैलेट से गोल्डन कलर लिया है, ग्रीन मैंने दूसरी पैलेट से लिया था। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छी है पैलेट, यहाँ पे मैबेलिन कलर सेल का मैंने यूज़ किया है स्केच लाइनर और एक विंग्ड आईलाइनर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने विंग लाइनर नहीं अप्लाई किया है। बहुत दिन क्या हुआ, अभी रिसेंट में शायद किया था, ठीक है। तो ये व्यायाम का मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आईलैशेस मैंने अप्लाई कर लिया, प्राइमर स्किप नहीं किया है गाइस, शूट करना मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे मैं लैक्मी सीसी की क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, जो ग्रीन वाली होती है वो ड्राई स्किन वालों के लिए होती है। तो हल्का सा मैंने इस पर फाउंडेशन भी मिक्स किया है, और मैंने जो है फाउंडेशन यूज़ किया मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ किया था, बहुत ही हल्का सा। तो इन दोनों को मिला के मुझे कवरेज अच्छी मिल गई। उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, और इस तरीके से अपने हाईलाइटेड एरिया को बहुत ही अच्छे से मैं हाईलाइट करूँगी। और यहाँ पे ले लिया स्पॉन्ज और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आपको फाउंडेशन कंसीलर तब तक ब्लेंड करना है जब तक उसमें से अच्छी सी शाइन ना आने लगे, अच्छा सा एब्जॉर्ब ना हो जाए आपकी स्किन पे, मतलब एकदम अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का बनाना पाउडर यूज़ किया कॉन्ट्रोलिंग पैलेट की हेल्प से। लोअर लैश लाइन पे मैंने यूज़ किया डार्क ब्राउन शेड, और इनर कॉर्नर पे लिया है वही वाला गोल्डन कलर। उसके बाद मार्स का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मस्कारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है गाइस। तो ये अभी लेटेस्ट मेरा जो मेकअप आया था उसमें आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, और सारे के सारे प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का जो है कॉन्ट्रोलिंग शेड लेकर अपने फेस को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। और पैक का मैंने यहाँ पर लिया है हाईलाइटर, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और ये मेरा बेस्ट हाईलाइटर बन गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके गाइस, तो ये वाला जो ब्लश मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट 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 ब्लश बन गया है गाइस। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, 500 कुछ रुपए का, लेकिन इतना नेचुरल लुक देता है, क्रीमी है ये। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारा शेड है लिप लाइनर का। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल की लिप क्रॉन यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी फेवरेट लिप क्रॉन है पर्पल की, बहुत ही प्यारा शेड मुझे ये लगता है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग भी है इसकी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे पैक का उसका यूज़ किया है, किसका, मैक का। उसके बाद यहाँ पे मैंने ज्वेलरी लिया है, ये जावेरी पर्ल की ज्वेलरी है, और आप इस पर ज्वेलरी भी पहन सकते हो अगर आप ब्राइडल लुक नहीं करना चाहते हो तो। अभी मतलब इतना अच्छा ये कुंदन की ज्वेलरी है, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये, और ये 300 कुछ रुपए की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। और लहंगा मैंने अमेज़ॉन से लिया है, आप ये देख सकते हो कितना प्यारा लहंगा, इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा जो है बहुत ही अच्छा कपड़ा है, दुपट्टे का वर्क, मतलब दुपट्टे पे बेल दी गई हुई है, और ये जो लेस
मैंने लगवाया है इसे अलग से, और इसकी कढ़ाई बहुत जड़ाऊ वाली कढ़ाई है गाइस, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये मुझे 2300 कुछ रुपए का मिला है, लेकिन 2300 का ये डिज़र्व भी कर रहा है गाइस। सो आई होप गाइस कि आप लोग को ये मेकअप लुक, ये लहंगा, ये सब कुछ अच्छा लगा हो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।